ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत हैं, इनका गुरु स्टार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरुजी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिलिया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है, जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहेब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और उस समुन्द्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका, किसी को पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये दो अक्षर का मंत्र जाप करते थे, दो अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो दो अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्मा सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था, उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कम्प्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक। प्राण संगलिक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये दो अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये दो अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है। और सत फिर भी भिन्न है, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आदेश परमात्मा का इसी समय होना था। क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा, सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष,
वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे, और नहीं तो इसमें चातुरता ज़्यादा आती है, बेईमाना गणा चाहता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सिद्ध मुँह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है, और एक बार कुछ कहेगा दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए, और फिर उनके घर में जाकर देख लेना के कर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहाँ पर के, उसके दो लड़के दोनों पाइज, और काफ़ी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूँ और ऐसे करता हूँ, हमारा तर्द कर्म फोड़ दिए, तन तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी, और देखा उसके कैर टूट रहे उसके घर पर। तो अपने आत्माओं, जैसे कर का जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो, इस जहर ने कौन खाओगा। फिर जब ज्ञान होगा, दास चाहता है आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई दे, ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज़ से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम। और सतनाम है दो अक्षर का, अरिंदा स्वामी वाले सतनाम का भी राना, वो सतनाम की खान का है पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुआ दा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है, पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है, उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सभी अधिकारियों से जा जा कर उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, जहाँ ये ख़त्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर दो उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है, एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है, और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन सभी इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय हैं हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविज़न होता है ना, टेलीविज़न, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर, ऐसे ही है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नोड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नोड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास, और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहाँ पर इस दो अक्षर के मंत्र का जाप की कमाई आपके काम आवेगी,
इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना पांचों काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जा पैदल जाओ से रिक्शा में बैठ के, बालकों का खेल नहीं है वहाँ त्रिकुटी तक पहुंचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहाँ जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित, ये है सार्वचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह, ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था सन 1902 में। ओहो, आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरमुख प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपे और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इसके इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये यो मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के, राप डले डोए हठ योग करे 17 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लग गए हैं। वचन यहाँ से सुन होता है, ये जगत नाशवान है। ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या दफा एक में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया, सतनाम को और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवीन डले डोए थे, नहीं, ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो, फिर कोई बिरला संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम, मंजिल कहो मुकाम कहो स्थान कहो एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ आते हम, अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे, ये है सार वचन वार्तिक भाग एक पढ़ रहे हैं हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम कहो स्थान कहो।
और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो मुकाम, राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम चार नंबर पे, 15 नंबर पृष्ठ पे, चार वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले, मंजिल मुकाम, ये मुकाम का मुकाम। इन बड़कों जैसी थ्योरी ने अरे परम धनी कवावे सतनाम यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है मुकाम, सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत। देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सार शब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को और सतनाम सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो तोड़ पाड़ दिया इन्हें तो। अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कारना देखी हो, सुन सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उसे कोई और किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, कौन चलाता है, ड्राइवर। तो उसे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं ड्राइवर, किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन करने चले हैं इनके परम धनी शिवदयाल जी जिसे राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम ही है और सतनाम स्थान है। और दिखाऊं सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावन सिंह जी और सावन सिंह जी से ही एक बलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ मन आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावन सिंह जी से उपदेश लिया किसने, बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदयाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ के वो कहाँ ले जाएंगे, उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो, अपना भी और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन्हें दुनिया भर की पुस्तक गढ़ी सारी नरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाय
गोपसोन पेपर्स लिमिटेड, इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग प्रकाश के भाग तीन। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी सभी के अंदर है, यो सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर, जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि, श्रावण सिंह जी कह रहे हैं कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले श्रावण सिंह जी चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग तीन ही है। वही सत्संगी हजूर, चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी श्रावण सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ गढ़डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता, नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वाले सांग के है, और ये पार होएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, श्रावण सिंह जी ने, संत मत प्रकाश भाग चार में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो दो अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग चार, ये श्री श्रावण सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं इनके, सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है प्रकाशक है, संत मत भाग चार महाराज श्रावण सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक, दसवीं बार छप चुके हैं 2010 तक, 15,000 यानी 60-70,000 तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ श्रावण सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है श्रावण सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्सर है वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरफ है तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की पूजा, कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो। इसको अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी।
जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। वो 2 अक्षर यू खुद तो कह रहे हैं पार ब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे और एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना 2 अक्षर 2 नामा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा, ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि यु क्या भेद बताओगा इसका देखना। यदि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करें, आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाक और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाक, भाक माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है, वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाक, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, 1 अक्षर हर मन बस है नानक होत निहाल, 1 अक्षर और है जो सार नाम है, वो 3रा मंत्र है। इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। 1 स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, 1 अक्षर जो गुरमुख जाप है तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पर न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख हो करके फिर उसका जाप करना है। ये नो के पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद करे सावन सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की, कि 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होकर, गुरु जी का शिष्य बनकर कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे मिलेगा और पार पर मजा के मिलेगा, वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया, अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ मारे इनके के एक बताने लगे देश ने। अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़ कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जारी है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे, अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा हरियो राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सो हम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के 3rd 17वें अध्याय 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गुप्त छपाए, गुप्त बता दो नहीं तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते, और ये 2 अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे। 261 पृष्ठ पे ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद, स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे,
ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा, और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक बौर गुफा तक ले जाएगा, वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहाँ से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है लेकिन जा नहीं सकते, बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन दो अक्षर में तो बता रखे है। तो पुण्यात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने, बेखो के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये चौरासी के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, न कहे का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो पांच नाम, पांच नाम वो नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में पांच नामों का भी जिक्र है और उन पांच नामों से मोक्ष नहीं है। वो पांच वो नहीं है अरंकार ओंकार, ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहब में। वो पांच नाम अलग हैं, पांच प्रधानों के हैं, इन पांच प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके करकमलों से अब क्या बताते हैं, ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे और कबीर जी इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है, वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊँ इन्हीं के करकमलों से। अंधों के अंधा मीन तत्व ज्ञान हीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और प्रश्न नंबर 264 पे सत्संगी ने श्रावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। श्रावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखिए अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पीछे रानी हुई पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी डूब का मिर्गी। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि पहले आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की, कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तो रानी डूब का मिर्गी उसमें विलीन होगी, और फिर जो कह सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज वह फिर बतलाए किस टाइम भाई, तो दोनों डूब का मिर गए इनकी थ्योरी तय, फिर बतलाए किस टाइम हुए आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलाने लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, वो तो थे अकाल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो सच्ची है, इनकी इनका उदाहरण इनके विपरीत है, फिर वो बतलाए कैसे, अलग अलग अस्तित्व है भगवान का वहाँ पर, आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो संत मत प्रकाश भाग 4 और
यहां देखा 189 पृष्ठ पे, यहां कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रह गया, जब कबीर साहब सतपुरुष है वो कित गया तुम्हारा परम धनी। आय है कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है, इंदुमती का ये बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का, भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान हैं, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पे लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत संत ने कह कह का बिना पता आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया, और बात बनाओ सतलोक दान की। अब दो अक्षर का भेद बतावे, गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है गुरु ने ये जाप किया मोक्ष प्राप्त किया। तो पुणात्माओं आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्य आत्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है और परमात्म ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए जिस कारण से सच्चे गुरु सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना हो वह के हरि कब हूँ सिंह की खाल उढ़ाए, गधे को यदि शेर की खाल उढ़ा दे लायन की तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे, उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुमार था शरारती सा,
उसने कुब दसु जी उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी और वो क्या करे अपने गधे पर डाल दे रात ने शाम को और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह वो भाग गए गांव में और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो पांच चार गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के और देख लेंगे भाई सिंह होगा शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा, इसलिए गधे वहाँ खड़े कर दिए। और 10-20 व्यक्ति थे वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली, जो पांच चार गधे थे वो मिलाकर सुरमसुर उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था खाल उड़ा रखी थी उस गधे ने भी सुरमसुर मिलाया। वो लाग गया हुआ है बोली बोलन करता डूचों डूचों वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना वह उछल कूद करी वह खाल उतर गई उसकी, फिर वो पकड़िया उसको मार गड़िया। फिर गांव वाले ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई तो ना हम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है, उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था जब वो अपने लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर में है, वो तेजो में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है नॉर्मल। और वो दो अतिथि माता है, एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित पहले से उद्देशित होता है, और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे, और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अदरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है।
तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं। फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को, हमारे माता या पिता दादा दादी जैसे भी वो शरीर छोड़ गए जो उनसे, जब वो जीवित थे दिन में तीन तीन बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे, एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु, तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर? कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को, या तो फिर डेली छकाओ उसने, जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए, वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए गोड्डों पानी में, घुटनों पानी से भी ज़्यादा, और वहाँ से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू? परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो? उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा? परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूँ, मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूँ। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला रे, वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख ये जल तो यहाँ कैसे पहुँचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहाँ कैसे जाएगा? जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरां के पास पहुँच जाएगा यहीं गिरा हुआ, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी कौन ही। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आ गई, ने बोला रे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख और फिर वहाँ पानी का अभाव, थारी माथे में कितने न फूट गई अकल कहाँ गई तुम्हारी, न्यो को ना नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीण देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गणा दिया, भ्रमित कर दिया, इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े, ऐसे कर्म लगा दिए भक्ति के इबू न छोड़ छुटवावे तैनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था, अब जैसा वो मार्गदर्शन करके भोले भाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का
उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है होम। अब कति सी दासा दासा था वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी परमात्मा ने दया करी है हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे घूम। अब गुरुजी समझ गया बोला बाला अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम या 125 की 125 की 110 की 11 की बता। वो कहने लगा गुरुजी वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब बोले आदमी इनके ऊपर बोलनी आओ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल। वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ तो दोनों लपटा लपटा हो गए। वो किसान तगड़ा था पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ही समस्या भाई अभी वो केक ऊपर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे कर रहा। उसने कहा छोड़ दे बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में इस घूम में यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने ये बतावा हंसी पहले हमारे के लिए बुंडी बने रही थी नो की नो बिना ज्ञान के ये हंडोला बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए जो किसान कहता बोला पंडित जी बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था मैंने 100 वाली करवा ली जा 125 की करवा लूँ तो दोनों मरा हूँ आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को महर्षियों को जो नकली थे उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है क्योंकि ये तो असंख्य जन्म अनगिन जन्मों का झंझट था अब भी निमट जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है और श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी ये नाशवान हैं इनकी जन्म और मृत्यु होती है ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वो ये दुख मान्या करते वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है इनकी जन्म मृत्यु होती है इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है ये झूठा है ये क्या समझे हमारे पुराणों को पवित्र पुराणों को पवित्र पुराणों में सदग्रंथों में लिखा है जो हम बताते हैं वो सत्य है कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते
अक्सर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं, वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, या बात न्यों बिगड़गी। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, धर्म दास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा इन सब से कहिए वो राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, तुम्हारे तीनों देवताओं की रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, निरंजन कीने भोग बिलासा माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीनों गुण का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूं पुकारा, तीन देव विस्तार चलावे है इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखी ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है, अपने रूप को सरल करके वहाँ से गति करके आता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है यानी सतलोक में रहता है, और वहाँ से गति करके चल कर आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है, और वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे।